जैसे कि मैंने अपने पिछली वीडियो में जापान की फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दिखाई थी और उनका रेट बताया था, वैसे ही मैं आपको अपनी इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, जैसे कि जापानी स्नैक्स, यहाँ के मसाले, यहाँ पे दूध का रेट और यहाँ की अल्कोहल। यहाँ पे पता है अल्कोहल हर एक सुपरमार्केट, हर एक कन्वीनियंस स्टोर पे मिलती है, तो मैं आपको वो सब दिखाने वाली हूँ। तो चलो चले। तो दोस्तों सबसे पहले जापानी स्नैक्स से शुरू करते हैं। ये जापानी स्नैक्स हैं, इसको बोलते हैं काकी नो ताने। ये यहाँ पे बहुत फेमस है, जब भी कोई जापान से आता है तो वो ये लेके आते हैं। इसमें आप जैसे कि देख सकते हैं ये राइस क्रैकर है, साथ में पीनट्स, इसका पैक है ये। ये वाला पैक 255 यन का है, विच इज़ अराउंड 180 रुपीज़। ऐसे बहुत वेराइटी मिलती है राइस क्रैकर्स की। ये पीनट्स मूंगफलिया, ये है 240 ग्राम और इसका रेट है 267 यन, विच इज़ अराउंड 180 रुपीज़। एंड बहुत सारी वेराइटीज़ है यहाँ पे नट्स की। ये भी वही है काकी नो ताने, यहाँ का फेमस है ये। और भी बहुत वेराइटी है ये राइस क्रैकर वगैरह की। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सारे राइस क्रैकर्स हैं, तो सेनबेई बोलते हैं, सेनबेई। ये जापान से कोई भी आता है तो वो ये लेके आते हैं, तो आपके घर में भी अगर कोई जापान से आएगा तो उनको ये लाने ज़रूर बोलना। इसका रेट है 199 यन, विच इज़ अराउंड 120 रुपीज़। बहुत वैरायटी है यहाँ पे इसकी। ये भी सारे वही हैं राइस क्रैकर, सेनबेई। ये बहुत फेमस जापानी स्नैक्स हैं। ये मसाले हैं, इतना छोटा छोटा पैकेट मसालों का, इतनी छोटी छोटी डब्बियाँ, अप्रोक्सीमेटली 250 रुपए की हैं। ये सारे भी स्पाइसेस हैं। ये क्यूमिन सीड्स 201 यन के, विच इज अराउंड 150 रुपीज। ये करी पाउडर, ये भी अराउंड 80 रुपीज का है। ओरिगैनो, ये भी अराउंड 80 रुपीज का है। और यहाँ पे बहुत चीजें हैं, ये देखो पेपर की इतनी सी डब्बी 250 रुपीज की अराउंड। ब्लैक पेपर की ये डब्बी 400 रुपए की। आई थिंक ये सब रेडी टू ईट है, जैसे इंडिया में करीज वगैरह आती है ना, ये भी अराउंड 250-300 रुपीज की है। यहाँ पे वेजिटेरियन बहुत कम मिलता है, सब नॉन वेज करीज ही हैं। ये पूरा चॉकलेट्स का काउंटर है, यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स, टॉफीज वगैरह हैं, ये गम्स वगैरह हैं। यहाँ पे कोला बहुत फेमस है, ये कोला वाली जेली, ये 192 यन की है, विच इज़ अराउंड 130 रुपीज़ आई गेस। और भी यहाँ पे बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, ये सारी चॉकलेट्स अलग अलग फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, यहाँ पे ग्रीन टी फ्लेवर बहुत फेमस है, यहाँ पे चॉकलेट भी ग्रीन टी फ्लेवर की मिलती है, मतलब चॉकलेट में ग्रीन टी मिक्स। और यहाँ पे ये जो डार्स चॉकलेट है, ये फेमस है यहाँ की कंपनी डार्स, हेजलनट, आलमंड्स, ये सब की चॉकलेट बनती है यहाँ पे। बहुत सारी चॉकलेट्स हैं, अगर किसी को चॉकलेट्स पसंद है तो पागल हो जाएगा ये सब देख के। ये सारे बिस्किट्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये भी ग्रीन टी कुकीज़ हैं। कुकीज़ के रेट आप जैसे कि देख सकते हैं, ज़्यादातर 100 येन है, विच इज़ अराउंड 70 रुपीज़, मतलब इतना ये पैक। अच्छा ये तो वेफर्स हैं, ये पैक, इतना पैक 70 रुपीज़ का है।
ये मेजी यहाँ पे बहुत फेमस ब्रांड है मेजी। इसकी भी देखो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्रीन टी वाले बिस्किट्स हैं इसके, कैरमेल, स्ट्रॉबेरी, ये सारे फ्लेवर्स हैं। ओरियो भी मिलता है यहाँ पे, ये देखिए ये वाला 213 येन का है विच इज अराउंड 150 रुपीज। यहाँ पे पोकी बहुत फेमस है, जापान की पोकी अलग अलग फ्लेवर्स में आती है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, बहुत फ्लेवर्स में आती है ये पोकी। इसके ये वाले पैक्स भी हैं पोकी के, आलमंड, पता नहीं शायद आलमंड और वेनिला फ्लेवर वगैरह वगैरह, बहुत फ्लेवर्स में आती है पोकी एंड इट्स वेरी टेस्टी। ये कैलबी के स्नैक्स हैं, कैलबी यहाँ पे बहुत फेमस फूड प्रोडक्ट कंपनी है। ये छोटा सा पैकेट मटर है इसके अंदर, मटर का स्नैक है, 127 येन का है विच इज़ अराउंड 70-80 रुपीज। ये बिस्किट्स हैं, छोटे छोटे साइज होता है इन बिस्किट्स का बहुत, और ये नॉर्मल फ्लेवर है चॉकलेट फ्लेवर, ऐसे इंडिया में भी मिलते हैं लेकिन इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, बहुत टेस्टी होते हैं ये भी, मतलब ये इंडिया में भी मिलते हैं। ये भी वैसे ही नॉर्मल कुकीज़ हैं चॉकलेट वाले, ये हैं 50 रुपीज़ के। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत 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 स्पाइसी है, बहुत 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 स्पाइसी है। यहाँ पे तो रेस्टोरेंट में भी जाओ ना तो पूछते हैं कितना स्पाइस चाहिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे पूछते हैं। यहाँ पे लिखा है बहुत बहुत स्पाइसी है लेकिन ये उतना होता नहीं है स्पाइसी, जापनीज बहुत कम स्पाइस खाते हैं इसलिए ऐसे उनको बहुत ज़्यादा लगता है ये। ये छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो इंडिया में 5-5 रुपए के मिलते हैं, वो यहाँ पे 151 येन के हैं विच इज़ अराउंड 90-100 रुपीज़। प्रिंगल्स का छोटा कंटेनर 53 ग्राम्स का कंटेनर है ये, 135 येन का विच इज़ अराउंड 90 रुपीज़। प्रिंगल्स मिलते हैं यहाँ पे, अलग अलग फ्लेवर है यहाँ पे, चीज़ फ्लेवर भी है, एक ये शायद जापान का फ्लेवर है कोई, उमाशियो सॉल्टी लग रहा है मेरे को तो। ये बड़ा वाला पैक जो है 110 ग्राम्स का, ये है 253 येन का विच इज अराउंड 190 रुपीज। ये बिग बैग मिलता है यहाँ पे, अच्छा होता है ये, मतलब पोटैटो चिप्स भी हैं यहाँ पे, ज़्यादा पोटैटो चिप्स मिलते हैं, अच्छा होता है ये, 267 येन का है विच इज अराउंड 190 रुपीज़। इसका बहुत बड़ा बड़ा वाला पैक भी आता है, इसमें छोटे छोटे बहुत सारे हैं। ये सारी चॉकलेट्स, चोको पाई भी मिलती है, ये बहुत टेस्टी होते हैं, ये यहाँ पे हर जगह मिलते हैं। इसका नाम क्या है, आरू अल्फोटो, अल्फोट कंपनी है उसका है ये, 321 येन का है विच इज़ अराउंड 220-230 रुपीज़ आई थिंक। चॉकलेट्स का पैक है, सब अराउंड 250 रुपीज़ है। ये किटकैट फ्लेवर, किटकैट बहुत फेमस है जापान में, यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं किटकैट के, यहाँ तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ तो बस नॉर्मल चॉकलेट, ब्लैक चॉकलेट और ग्रीन टी फ्लेवर ही है। वैसे जापान में आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे, अलग अलग रोस्टेड ग्रीन टी फ्लेवर, फिर स्वीट पोटैटो फ्लेवर, ये ग्रीन टी फ्लेवर अलग है जो कि इंडिया में नहीं मिलता है। वैसे ये भी बहुत कम मिलता है शायद इंडिया में, ये वाला तो इंडिया में मिलता है, नॉर्मल है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला जो पैकेट है, ये पैकेट है 286 येन का। यहाँ पे सब लोग ग्रीन टी बहुत पीते हैं, मतलब पानी की जगह ग्रीन टी लेके आते हैं ये लोग हर जगह, और ये सारी ग्रीन टी की वैरायटी है, इतनी सारी ग्रीन टी मिलती है, रोस्टेड वगैरह और बहुत सारी।
ये कॉफी, अलग अलग वैरायटी है, सबका रेट अलग अलग है और एन एवरेज 150 रुपीस का 1 लीटर मिल्क। और यहाँ पे MRP टाइप कुछ सिस्टम नहीं होता, बस जो रेट यहाँ पे लिखा होता है उतने का मिलता है। तो ऐसे ही कोई और शॉप में जाओगे वहाँ पे अलग रेट मिलेगा यही दूध का। और जैसे आप टोक्यो वोक्यो जाओ तो उधर से उधर और महंगा मिलेगा। ये मिल्क टी ठंडे मिलते हैं यहाँ पे, मिल्क टी। ये कर्ड भी अराउंड 100 रुपीस का है। ये इतना कर्ड 100 रुपीस का, 400 ग्राम कर्ड 100 रुपीस का। योगर्ट वगैरह मिलता है, सब चीजें मिल जाती है वैसे तो। ये पेस्ट्रीज वगैरह हैं, ये वॉफल्स, कस्टर्ड वॉफर, ये यहाँ पे बहुत फेमस है, हर बहुत जगह मिलता है ऐसा। सारी तो ग्रीन टी है ठंडी वाली। ये सारी बियर, यहाँ पे हर सुपरमार्केट, हर कन्वीनियंस स्टोर पे अल्कोहल मिलता ही मिलता है। ये असाही है, असाही यहाँ की फेमस बियर है। और ये 206 येन की है जो कि अराउंड 150 रुपीस है। तो 150 रुपीस की एक 350 ml असाही का कैन। ऐसे बहुत सारे कैंस मिलते हैं, जैसे 6-6 कैंस यूजुअली लोग ये लेते हैं। बहुत वैरायटी है सब चीजों की। ये सारा अल्कोहल हर शॉप पे ऐसे मिल ही जाता है यहाँ अल्कोहल। कितनी वैरायटी है, ये वोडका, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स मिलती हैं देखो तो। विस्की की, ये विस्की है 4 लीटर की विस्की, 7600 येन की, विच इज अराउंड 5400 रुपीस। बहुत ही ज्यादा वैरायटी है। ये सारी ओसाके है, निहोनशु बोलते हैं जापानीज में। बहुत वैरायटी है साके की और अलग अलग रेट है। जैसे ये देखो, ये वाली बोतल 1078 येन, विच इज अराउंड 700 रुपीस। ये साके जापानीज की फेमस अल्कोहलिक ड्रिंक है, राइस से बनती है ये। तो अगर आप जापान आए तो साके जरूर ट्राई करिएगा। आइसक्रीम्स हैं, ग्रीन टी की भी आइसक्रीम मिलती है। ये देखिए, ये ग्रीन टी वाली है।
ऐसे बॉक्स भी मिलते हैं बहुत, मतलब 5-6 डब्बे आइसक्रीम्स के। ऐसे जैसे कि ये कोन वाली आइसक्रीम है 100 रुपए की, ये एक 100 रुपए की है, तो 100 रुपए की मिलती है एक आइसक्रीम, उससे तो कम की नहीं मिलती। ये ब्रेड, इतनी ब्रेड 65 रुपीज के अराउंड की है, 65 रुपीज की है। ये भी सारी ब्रेड है, अलग अलग रेट है, जैसे कि ये वाली ब्रेड तो 120-130 रुपीज की है, ये वाली 70 रुपीज की है। तो चलो अब चलते हैं वहाँ बेकरी पे, एक बेकरी है वहाँ पे। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, डोनट्स वगैरह, मीठा, बहुत कुछ। मैं एक बस डोनट ले लेती हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।